हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम तीन पॉपुलर डॉग ब्रीड्स की कंपैरिजन करने वाले हैं, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर एंड गोल्डन रिट्रीवर। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए हम एम रखते हैं 300 लाइक्स, इसे ज़रूर आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन डॉग्स ब्रीड की हिस्ट्री एंड ओरिजिन। जर्मन शेफर्ड, दोस्तों जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है और इनको शीप हर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था और आप कह सकते हैं एज अ वर्किंग डॉग। और ये डॉग्स को आज के समय में आर्मी, पुलिस फोर्स में सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, बॉम्ब डिटेक्शन जैसे कई अन्य कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है। लैब्राडोर, लैब्राडोर का ओरिजिन कैनेडा से है और इस ब्रीड का नाम सन 1800 में रखा गया था। इन डॉग्स को ब्रीड किया गया था फिशरमैन्स की हेल्प करने के लिए, ताकि जब फिशरमैन फिश पकड़े तो ये लोग जाके ला सके। गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर को 19th सेंचुरी के दौरान स्कॉटलैंड में ब्रीड किया गया था। इन डॉग्स को एज अ गन डॉग ब्रीड किया गया था, ताकि जब हंटर डक टर्की जैसे बर्ड्स का शिकार करे ये लोग जाके उन्हें रिट्रीव कर सके। इसी से इन डॉग्स का नाम गोल्डन रिट्रीवर पड़ा। इनमें से गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर रिट्रीवर के पास वाटर रेजिस्टेंस कोट होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छे स्विमर भी होते हैं। और जर्मन शेफर्ड के पास डेंस डबल कोट होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इनकी रैंकिंग की। रैंकिंग की बात करें तो AKC अमेरिकन कैनल क्लब के हिसाब से जर्मन शेफर्ड आता है सेकेंड नंबर पर, गोल्डन रिट्रीवर आता है थर्ड नंबर पर और लैब्राडोर रिट्रीवर आते हैं फर्स्ट नंबर पर। ये तीनों ही डॉग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे फैमिलीज इन्हें एडॉप्ट भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन डॉग्स की ग्रूमिंग की। इनमें से दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। इसी जगह अगर आप लैब्राडोर को 2 बार करते हैं तो भी चलेगा। और दोस्तों इन डॉग्स की टेम्परामेंट्स की बात करें तो ये तीनों ही डॉग्स इंटेलिजेंट, अलर्ट, फ्रेंडली, लविंग होते हैं। और दोस्तों इन डॉग्स की कुछ आइडेंटिटी की बात करें तो गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर के ईयर्स फोल्डेड ईयर्स होते हैं और इनकी लॉन्ग टेल होती है। ये डॉग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं। और हम बात करें जर्मन शेफर्ड की तो जर्मन शेफर्ड के ईयर इरेक्ट होते हैं और टेल लॉन्ग एंड साइबियर होती है। अब बात करते हैं इन डॉग्स की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के मामले में तीनों ही डॉग्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डॉग जल्दी से वेट गेन कर सकते हैं। इसलिए आपको इनको दिन में कम से कम आधे घंटे तक तो एक्सरसाइज ज़रूर करानी चाहिए, जिससे कि ये वेट गेन ना करें। तो दोस्तों अब देखते हैं इनमें से बेबीज़ के साथ कौन ज़्यादा अच्छे से रह लेता है। इनमें से दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर दोनों ही बेबीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। जर्मन शेफर्ड भी बेबीज़ के साथ अच्छे से रह लेता है, पर उन्हें आपको बचपन से ही सोशलाइज करना पड़ेगा, वरना वो एग्रेसिव बन सकते हैं। ट्रेनिंग के मामले में तीनों ही डॉग्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये डॉग्स काफ़ी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होते हैं, जिससे कि आप जो सिखाते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं। इनमें से जर्मन शेफर्ड को थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो आपकी बात माने और एग्रेसिव ना बने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन डॉग्स की हाइट की। हाइट की बात करें तो जर्मन शेफर्ड की हाइट होती है 60 से 65 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में होती है 50 से 60 सेंटीमीटर। गोल्डन रिट्रीवर की हाइट की बात करें तो मेल में होती है 56 से 61 सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 51 से 56 सेंटीमीटर। उसी जगह अगर बात करें लैब्राडोर रिट्रीवर की हाइट की तो मेल में होती है 57 से 62 सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 55 से 60 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो जर्मन शेफर्ड का वेट होता है मेल में 30 से 40 केजी और फीमेल में होता है 22 से 32 केजी। गोल्डन रिट्रीवर की वेट की बात करें तो मेल में होता है 30 से 34 केजी और फीमेल में होता है 25 से 32 केजी। उसी जगह लैब्राडोर की वेट की बात करें तो मेल में होती है 29 से 36 केजी और फीमेल में होता है 25 से 32 केजी। अब बात करते हैं इन डॉग्स की लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन की बात करें तो लैब्राडोर की होती है 10 से 14 इयर्स, जर्मन शेफर्ड की होती है 9 से 13 इयर्स एंड गोल्डन रिट्रीवर की होती है 10 से 12 इयर्स की लाइफ स्पेन। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन डॉग्स की प्राइस की बात करें तो लैब्राडोर रिट्रीवर आपको मिल जाएगा 9 से 10 हज़ार में, गोल्डन रिट्रीवर मिलेगा आपको 15 से 20 में
और जर्मन शेफर्ड आपको 10 से 13 हज़ार में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे तो तीनों ही डॉग्स ब्रीड काफ़ी हेल्दी ब्रीड होती है, पर इन्हें भी कुछ डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर रिट्रीवर को हो सकती है ओबेसिटी, स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, हिप डिस्प्लेसिया, आई प्रॉब्लम। और उसी जगह जर्मन शेफर्ड को बात करें तो उनको एल्बो डिस्प्लेसिया, स्किन इश्यू, हिप डिस्प्लेसिया जैसी बीमारियाँ हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी डॉग वर्सेस डॉग की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सी डॉग ब्रीड अच्छी लगती है, और ऐसी अगर कोई और डॉग ब्रीड पे आपको वीडियो बनानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।